हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि एजुकेशन में, जहां पर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू न्यू वीडियो अपलोड की जाती हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं, जैसा कि एग्ज़ाम चल रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए, तो आज हम क्वेश्चंस लेके आए हैं 19 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, तो इन्हें देखना ना भूलें। अगर आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो आप इसे पूरी वीडियो ज़रूर देखें, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। तो अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियो अच्छी लगती हो तो उन्हें लाइक करें और उन्हें लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले और उनका भी एग्ज़ाम अच्छा हो। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बगल में एक बेल आइकॉन होगी जिससे कि हमारी कोई भी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना हो तो हमारा नंबर ये है 7800830378, इस पर आप हमें मैसेज करिए और आपको वहाँ पर इस वीडियो की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिससे कि आपको रोज़ नई नई वीडियो अपलोड पीडीएफ मिलती रहेगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? हमारे ब्लड में कौन सा मेटल पाया जाता है? तो हमारे ब्लड में लोहा आयरन पाया जाता है, Fe, हमारे ब्लड में Fe पाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैंसर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर रोगों का अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी के अंतर्गत हम कैंसर रोगों का अध्ययन करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूखी बर्फ क्या होती है? किसको हम ड्राई आइस सूखी बर्फ कहते हैं? तो सूखी बर्फ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। अब इसके बाद आगे आते हैं आईपीएल विनर 2018 में आईपीएल में कौन से चेन्नई टीम्स इसमें विनर थी? आईपीएल 2018 की विनर चेन्नई टीम थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, असम के गवर्नर का क्या नाम है? तो असम के गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी असम के गवर्नर हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे महंगी फिल्म का नाम बताइए। तो सबसे महंगी फिल्म थी बाहुबली। इसे तो आप सबने सबको पता है कि बाहुबली सबसे महंगी फिल्म थी। एंड नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन है, कौन सा कोयला सर्वोत्तम किस्म का कोयला माना जाता है? तो एंथ्रेसाइट सबसे सर्वोत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बैंक में सबसे बड़ा घोटाला किसने किया? तो नीरव मोदी ने बैंक में सबसे बड़ा घोटाला किया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आईसीआईसीआई के सीईओ कौन है? तो उनका नाम है चंद्रा कोचर आईसीआईसीआई की सीईओ है। एंड नेक्स्ट हमारा है, ओजोन से रिलेटेड एक प्रश्न आया था जिससे आप देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट हमारा है, हरियाणा के राज्यपाल का नाम क्या है? तो हरियाणा के राज्यपाल थे सत्यदेव नारायण हरियाणा के राज्यपाल। इसके बाद है हमारा, हिमा दास कहाँ की ब्रांड एम्बेसडर है? तो हिमा दास असम की ब्रांड एम्बेसडर है। अब आगे आते हैं, नीचे क्वेश्चन से हमारे। अब अगला है, आग बुझाने में कौन सी गैस हम प्रयोग करते हैं? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, CO2 का।
इससे आग बुझाती। एंड नेक्स्ट हमारा एचआरडी मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर कौन है? एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, प्रकाश जावड़ेकर जी एचआरडी मिनिस्टर हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसरो के अध्यक्ष, इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष हैं के शिवान, इसरो के अध्यक्ष हैं के शिवान। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नींद की बीमारी को क्या कहा जाता है, नींद की बीमारी को क्या कहा जाता है? तो इस्मोनिया, इस नींद की बीमारी को कहा जाता है। एंड आगे है हमारा एक क्वेश्चन आया था गतिज ऊर्जा से, काइनेटिक एनर्जी से भी एक प्रश्न आया था, तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर इससे भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आए होंगे तो आप इस पर कर लीजिए, तो इसके फॉर्मूले को भी आप ध्यान में दिए रहिएगा। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण में जल, जल की आवश्यकता है, सूर्य का प्रकाश और CO2। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के पहले तो पत्तियों का क्लोरोफिल होता है, एंड नेक्स्ट हमारा है पानी, जल की आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश और CO2 की आवश्यकता होती है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? ओम प्रकाश रावत जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं। एंड नेक्स्ट हमारा है यंगेस्ट माउंटेन रेंज, सबसे ऊँच, यंगेस्ट माउंटेन रेंज सबसे ऊंची चोटी, तो यंगेस्ट माउंटेन रेंज हिमालय, हिमालय हिमालय है। एंड नेक्स्ट है हमारा फ्रूट को पकाने वाला हार्मोन, फल को पकाने के लिए कौन से हार्मोन की जरूरत पड़ती है? तो फल को पकाने में इथिलीन, इथिलीन हार्मोन की वजह से, इथिलीन की वजह से फ्रूट को पका सकते हैं। अब इसके बाद आगे है हमारा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? मस्तिष्क सबसे बड़े भाग का नाम है सेरेब्रम, सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक एसिड होता है टमाटर में। तो इसी के साथ ये क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा और जल्दी से इसे एग्ज़ाम के टाइम देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में हो सकता हो क्वेश्चन आ जाए, इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। और इसके बाद अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबाना ना भूलें। और इसी के साथ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जैसा कि 7800830378 पर आप हमें मैसेज करिए, हमारे ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएंगी जिसे आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी गई है जहाँ पर आप जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। जय हिंद।